हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोठ की चाट। मोठ की चाट बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मोठ ले लिए हैं, जिसे मैं रात भर पानी में भिगो दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इन मोठ को रात भर पानी में भिगो दिया था और अब ये अच्छे से भीग गए हैं और अब इन्हें अच्छे से वॉश करके और हम इन्हें उबालते हैं। फ्रेंड्स, अब इन्हें उबालते हैं और इसे मैंने एक भगोनी में डाल लिया है और अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और 1/4 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें उबाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें हम दबा के देख लेंगे और हम पकाते हैं इन्हें। इसे मैं ऑयल फ्री बनाऊंगी और ये ज़्यादा ना उबल जाए इसलिए मैंने इसे कुकर में नहीं उबाला है, इसे खुले बर्तन में ही उबालेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और इसके ऊपर जितने भी झाग आएंगे हम हटा देंगे। इन झागों को ऊपर आ जाएंगे जो झाग, इन्हें हटा देंगे। फ्रेंड्स, इन्हें बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये गल गए हैं क्या, क्योंकि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे ठंडा करके और अपन हाथ से दबा के देख लेंगे। अब इसे बस थोड़ी देर और पकाते हैं और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इन्हें 8-9 मिनट हुए हैं उबालते हुए और ये अब बिल्कुल उबल चुके हैं जैसे हमें चाहिए। तो ये बस हाथ से दबने चाहिए, क्योंकि हमें दाल नहीं बनानी है, हमें मोठ की चाट बनानी है, तो इसलिए हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बिल्कुल अलग अलग खिले खिले हैं। फ्रेंड्स, अब इन्हें उबले हुए को हम छलनी में निकालेंगे। आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल बहुत कम पानी बचा है, हमने जितना पानी चढ़ाया था उसी में उबल गए। अब इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और इतने हम प्याज और टमाटर काट लेते हैं। फ्रेंड्स, अब ये मोठ मैंने एक भगोनी में डाल ली है और इसमें मैं 3 कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल रही हूँ। चार में टमाटर छोटे छोटे काट लिया है मैंने और 4 टमाटर काट डाल रही हैं इसमें। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेते हैं। वन फोर चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच ही चाट मसाला और 1/4 चम्मच ही मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने अमचूर लिया है आधी चम्मच और इसे पानी में घोल लिया है, वो हम थोड़ा सा डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो ये डालो, नहीं तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो बनता है उसमें या तो इमली का पानी डालते हैं या अमचूर का पानी डालते हैं। दो नींबू का रस निकाल के वो डाल रही हूँ मैं इसमें। 2 नींबू का रस मैंने निकाल लिया था जिसे मैंने डाल दिया इसके अंदर और थोड़ा सा मैंने धनिया मैंने सुखा के रख रखा है जिसका पाउडर बना रखा है, थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑयल फ्री, बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं डला है, जो कि बहुत ही पौष्टिक है। तो ये चाट हमारी तैयार है खाने के लिए और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों की फेवरेट होती है ये।
इसे हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।